आशा सरमाल, आप देख रहे हैं महासंग्राम। और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सौगात को लेकर जिसमें आप देखिए हेल्थ सेक्टर में किस तरह से काम होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को एक बड़ी सौगात दी है जिसमें 350.28 करोड़ रुपए की ये बड़ी सौगात बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं, पीएम ने जम्मू कश्मीर को 350.25 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो सामने रखी है। पीएम आज 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन करते नजर आए और 6 मोबाइल फूड सेफ्टी वाहन को भी जनता को समर्पित फिलहाल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ सेक्टर को किस तरह से बिल्डअप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक उम्दा पहल की है। इससे पहले 32,000 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को दी थी, लेकिन आज जिस तरह से गुजरात दौरे पर पहुंचे थे और वहां से भी वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया गया। और ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी जल्दी से बताते चलें कि किस तरह से ये बड़ी सौगात यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता के लिए रहने वाली है, तो देख लीजिए कि किस तरह से इसका फायदा होगा जमीनी सतह पर। अब सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि आखिर हेल्थ सेक्टर को ज्यादा अपग्रेड करने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा। मोबाइल फूड सेफ्टी वाहन को भी जनता को समर्पित फिलहाल कर दिया गया है और पीएम ने आज बड़ी सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज जम्मू में 100 CCU बिस्तर का बनाया गया है और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर स्कीम्स की बात करते हैं तो वहां पर भी 50 CCU बिस्तर का ये बनाया गया है। और साथ ही साथ बताते चले कि आप देखिए मेडिकल कॉलेज राजौरी में भी किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, 50 CCU यहाँ पर भी। और उसके साथ साथ आप समझना बहुत जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज कठुआ में भी 50 CCU बिस्तर वाले ब्लॉक का निर्माण होगा, ये लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। और जाहिर तौर पर हर एक जिले को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए इसे विपक्षी पार्टियां देख रही हैं, लेकिन 350.25 करोड़ रुपए की इस पर लागत आएगी जो ये सारे ब्लॉक्स बनकर तैयार होंगे। और उसके साथ ही आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस का जो निर्माण करने की बात कही गई थी कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होने चाहिए और उसके साथ साथ ही CCU की जो बेड्स हैं वो भी इनके अंदर होंगे और ये ब्लॉक्स अलग अलग तरीके से। तो पीएम यहाँ ABHIM के तहत यहाँ 7 CBSE की जो CCBS के यहाँ पर जो ये निर्माण हो रहा है 207.75 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी। ECRP 2 के तहत यहाँ 6 CCBS पर 142.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और साथ ही समझिए कि जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में काम किया जा रहा है, कुलगाम की अगर हम बात करते हैं तो जिला अस्पताल के अंदर 50 CCU बिस्तर का ये पूरा निर्माण होगा। यहाँ पर भी कुलगाम की जनता को किस तरह से सौगात, क्योंकि सिर्फ जम्मू के ऊपर फोकस नहीं है, कश्मीर के अंदर भी काम किया जा रहा है। तो पुलवामा जिले में भी 50 CCU बिस्तर का ये यहाँ पर पूरा निर्माण रहेगा, ब्लॉक बनाया जाएगा। जाहिर तौर पर जो दूरदराज के इलाके के लोग हैं उन्हें शहरों का रुख ना करना पड़े, उन्हें अपने ही गृह जिले के अंदर ये सारी सुविधाएं मिले, उसको लेकर काम। और जिला रियासी की बात करें तो वहां पर भी 50 CCU का ही बिस्तर का ये पूरा ब्लॉक बनेगा। पुंछ के अंदर भी इस तरह से, क्योंकि बराबर बराबर आप देखिए बिस्तर जो है वो लगाए जा रहे हैं, यानी कि CCU बेड की जो बात हो रही है 50-50 हर जिले के अंदर दिए गए, कुपवाड़ा के अंदर भी दिए गए हैं। तो CBCS परियोजना के तहत ये पूरा काम हो रहा है। सोनमर्ग के अंदर भी प्राथमिक चिकित्सा जो केंद्र है उसमें 50 CCU बिस्तर वाले ब्लॉक का निर्माण होगा। सोनमर्ग इलाका जो कि आप देखिए कश्मीर का आखिरी पड़ाव है और लेह लद्दाख वहां से शुरू हो जाता है, तो जाहिर तौर पर फूड सेफ्टी वाहन बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि अस्पतालों के अंदर खाने को लेकर भी काम करने की जरूरत थी। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि लोगों की तरफ से एक बड़ा आरोप जरूर लगाया जा रहा था, लेकिन अब जब से ये हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करने की बात हुई है तो जाहिर तौर पर अब देखना ही होगा कि किस तरह से इसका फायदा होगा। मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर 100 CCU बेड्स जो है वो लगाए जाएंगे। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। यासिर खान हमारे साथ अपनी पार्टी से, आपका भी स्वागत। और दिनेश मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी आपके पास आऊंगी सबसे पहले, जिस तरह से ये एक बड़ी सौगात ही मानी जा रही है, 350.25 करोड़ रुपए की सौगात आज वर्चुअली तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता को मिली है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, लोकसभा के चुनावों को लेकर ही ये पूरा काम किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए प्रधानमंत्री जब पिछले हफ्ते जम्मू के दौरे पे आए थे तो एम्स का उन्होंने उद्घाटन किया था, तो आज जो उन्होंने सौगात दी है जम्मू कश्मीर में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत एक हिस्टोरिकल स्टेप है और मैं कह रहा हूँ बड़ा माइलस्टोन स्थापित होगा इसके कारण, क्योंकि अगर हम इतिहास बात करें जम्मू कश्मीर में तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। खासतौर पर मैं जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू के जितने भी, चाहे हम जितने बड़े बड़े क्लेम करते हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज, जहाँ बाकी रजौरी में डोडा में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन ये सारे वर्चुअली एक रेफरेंस सेंटर हैं। यहाँ से 90% मरीज जो हैं, जो पेशेंट जो क्रिटिकल होते हैं उनको बाहर की स्टेट्स में शिफ्ट किया जाता है, खासतौर पंजाब में जब PGI चंडीगढ़ में। अब एम्स
पहले तो एम्स की इनॉग्रेशन हुई है, उसके बाद जो आज प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा एक स्टेप है, खासतौर मेडिकल सेक्टर में जम्मू कश्मीर में जो बहुत जरूरी है, और ये स्टेप उठाना, और आज प्रधानमंत्री ने जो स्टेप उठाया इलेक्शन के दौरान, ये ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है। जब कांग्रेस का दौर था तब कांग्रेस भी यही करती थी, चुनाव के पहले अनाउंसमेंट होती थी, लेकिन बीजेपी का यही है जिन्होंने अनाउंसमेंट किया उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ठीक 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने एम्स का इनॉग्रेशन किया था और 5 साल बाद उन्होंने एम का फाउंडेशन स्टोन नहीं किया था, 5 साल बाद उन्होंने उसका इनॉग्रेशन यासिर कर जी, दिया। अब यह मैं ठीक है, इससे खुश हूं, बहुत अच्छा स्टेप है ये। ठीक है, यासिर जी बोलिए। ये बहुत बड़ा एक खुशायन फैसला है प्रधानमंत्री जी का। अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे पहले भी जब होती थी हुकूमत होती थी तो वो इस तरह से महकमा सेहत की तरह पैसा नहीं लगाती थी, वो इलेक्शन के लिए कहीं और लगाती थी। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, और ये फैसला इस खासकर जम्मू कश्मीर के लिए जहां पर हमेशा नजरअंदाज किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट को, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रधानमंत्री जी ने जो है फोकस पे रखा, और यहाँ पर आप देखें कि जिस तरह से उनकी सोच है, अगर इस सोच पे आगे एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है तो मुझे नहीं लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से कोई लाइफ थ्रेटिंग डिजीज के अलावा छोड़कर उसको मूव होने की दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आने की जरूरत है। और बहुत सारे ये आम लोगों का भला है, ये गरीब आदमी का फायदा है। तो ये प्रधानमंत्री की जो सोच है, आप देखें दुनिया में जितने भी देश जो तरक्की याफ्ता है उसकी एक ही वजह है कि वहां का हेल्थ सेक्टर पे बड़ा बजट लगाया जाता है और लोग तंदुरुस्त रहते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कब खुशहाली तक ये फैसला और बनकर मोस्ट वेलकम तैयार मूवमेंट। होगा, ये बड़ा सवाल है, और फायदा कितना रहेगा? एक अच्छा स्टेप है, कोई दोराही नहीं है। अभिजीत जी, देखिए, एक आपने सुना होगा, कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं। ये हकीकत है जो आपके सामने सबकी सब हुई है। और अगर मैं हेल्थ सेक्टर की जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमें याद होना चाहिए कि 70 के दशकों में कहीं एक इंस्टीट्यूट मिला था जिसे सोहरा इंस्टीट्यूट स्किम्स कहा जाता है, वो भी कश्मीर में था, और वो भी जो था वहीं पर कुछ लोगों ने आपस में कुछ पैसे वैसे इकट्ठे कर कर और शायद कुछ थोड़ी बहुत फंडिंग कहीं से रही होगी तो वो एक इंस्टीट्यूट बना था। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में आपके पास दूसरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। लेकिन आप देखें, अगर आप वहीं पर 70 के दशक से लेकर चलें, यहाँ जब जम्मू कश्मीर 50s की अगर आप आगे चलें तो कम से कम 4 या 5 गुना हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहा। बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा इंस्टीट्यूट बना, यहाँ पर बना, वो भी लेकिन चला नहीं। सवाल यहाँ पर लेकिन ये है अभिजीत, कि सिर्फ नींव पत्थर रखा गया है, डॉक्टर्स की जो कमी है उसे पूरा करने की जरूरत है। आज ऑपोजिशन पार्टी का यही सवाल है, देखिए, ग्राउंड पर तो ये सवाल घूम रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही 3 गुना पहले से ज्यादा डॉक्टर की जो अभी नई जो क्रिएट की गई है पोस्ट, अब 3 गुना ज्यादा पहले से बनेंगे, वो भी आपके सामने। तो साथ साथ सब कुछ किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नियर अबाउट एक मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया और अभी वो चल भी रहे हैं सारे के सारे। ये पिछले 8-9 सालों का ही मैं आपको बता रहा हूँ सारे का सारा। एक चीज जो समझने की जरूरत है कि क्रिटिकल केयर की सबसे ज्यादा जरूरत जम्मू और कश्मीर दोनों को ही बराबर की थी। श्रीनगर में तो फिर चलो कहीं ना कहीं उस चीज में सोरा उनकी काफी तक एक्सपेक्ट जो उनकी जरूरतें थी उसको मीट करता, लेकिन जम्मू में प्रॉब्लम भी, अगर आज भी अगर आप चले जाते थे अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर तो जो जब क्रिटिकल केयर की बात आती थी वो एक रश रहता था वहां पर, क्योंकि सब पूरे के पूरे जम्मू प्रोविंस का जो प्रेशर है, जो बोझ है, वो आ जाके मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के ऊपर ही पड़ता था। लेकिन इस तरह की क्रिटिकल केयर के जब अलग अलग जगहों पर, चाहे वो रजौरी में हो, चाहे वो रियासी में हो, चाहे वो पुंछ में हो, चाहे वो कठुआ में हो, इससे काफी हद तक जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनको वहीं पर ही सहूलत मिल जिस सकती तरह है, से अलग तो ये अलग बड़ा जिले अच्छा की स्टेप है अभिजीत मुझे जी लगता बात है। कर रहे हैं कि उमदा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन क्रिटिकल केयर को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से रेफरल हॉस्पिटल बने हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्हें तब्दील करने की कोशिश की गई है, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ रेफरल सेंटर्स हैं और ज्यादातर लोगों को जम्मू भेज दिया जाता है, और जम्मू के अंदर भी जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, जब मरीज ज्यादा हो जाते हैं तो वो बाहर का रुख करते हैं। क्या लगता है कि जब ये क्रिटिकल केयर यहाँ पर जो बेड्स बनाए गए हैं, यूनिट्स बनाए गए हैं, ब्लॉक बनाने की बात हो रही है, अब कहीं ना कहीं अपने जिले के अंदर ही काम होगा, अपने जिले के अंदर ही मरीजों का इलाज होगा? देखिए, अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, पंजाब और हिमाचल की बात करें, हिमाचल में देखिए, हिमाचल भी हमारी तरह पहाड़ी राज्य है, लेकिन वहाँ हर जिले में एक अच्छा अस्पताल है, वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हर कोई शिमला नहीं भागता, हर कोई चंडीगढ़ नहीं भागता, लेकिन जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रोविंस में ऐसा नहीं है। पुंछ रजौरी में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी रेफरल सेंटर है, डोडा वाला भी यही है, कठुआ वाला भी है। कठुआ वाले लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि पंजाब उनके पास है, वो पंजाब चले जाते हैं, लेकिन पुंछ रजौरी, डोडा, रियासी, माहौर,
यहाँ के लोग सारे जो है ना सारे जम्मू शिफ्ट करते हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में, और जम्मू मेडिकल कॉलेज इतना बर्डन जो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम देखिए सिर्फ इक्विपमेंट्स लगाने से कुछ नहीं होगा यासिर जी, आपको डॉक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कितनी देंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आज फार फ्लंग एरियाज के अंदर आप जाकर देख लीजिए सीएचसी पीएचसी जो बनाए गए हैं कितने वहां पर डॉक्टर बैठ रहे हैं, और अब जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं बेशक तबादले किए गए होंगे लेकिन काम कितने डॉक्टर कर रहे हैं ये बड़ा सवाल है। आप भी पुंछ से आते हैं यासिर जी? जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखें हॉस्पिटल जितने भी हैं, एक सिवाय जम्मू मेडिकल कॉलेज हो गया या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज या सोरा हो गया स्कीम्स का, यहाँ पर इन्हीं को सारा बोझ जो है डाला जाता है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या जो मेडिकल कॉलेज बनाए हैं उनकी जो फंक्शनलिटी है वो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो मटेरियल है वहाँ पर, लेकिन जो मेन फोर्स है वो पूरी नहीं है। आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी डॉक्टर्स की हर डिस्ट्रिक्ट में और सब डिविजनल जो है हॉस्पिटल में वैकेंसी खाली पड़ी है, और बहुत ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गाँव के देहातों में दूर दराज के, वहां पर भी एलोपैथी का कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि अलबत्ता यूनानी या आयुर्वेदा के एक एक डॉक्टर रखे हुए हैं। तो जो आप देखें जो सर्जन की रिक्वायरमेंट है वो कोई आयुर्वेदा या एलोपैथी वाला दूसरा एमबीबीएस जनरल नहीं कर सकता वो सर्जन की रिक्वायरमेंट को पूरी। अभिजीत जी, डॉक्टर्स को रोकना बहुत बड़ा यहाँ पर जिम्मा रहेगा सरकार का कि किस तरह से डॉक्टर्स अपनी ही पोस्ट पर बैठकर काम करें, क्योंकि दूरदराज इलाके के अंदर अगर पहुंचते हैं तो काम नहीं करते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं या फिर लोग ये कहते हैं कि दिखाई नहीं देता है डॉक्टर और उसके बाद उन्हें फिर जम्मू का रुख करना पड़ता है, तो डॉक्टर्स को रोकेंगे किस तरह से, स्टाफ को रोकेंगे किस तरह? देखिए काफी हद तक इसके ऊपर नकेल कसी गई है। अगर आप देखेंगे पहले यहाँ पर ऐसी ऐसी एग्जांपल्स थी कि यहाँ से पे लेते थे और सभी के सभी डॉक्टर सऊदी में और बाहर नौकरियां करते थे, यहाँ पर वो लीप या किसी चीज पे चले जाते थे। ऐसे कई डॉक्टर जो पिछले दिनों जिनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, ये एक ट्रेंड था बिकॉज इट वॉज अ बनाना रिपब्लिक, यहाँ सिस्टम चलता था 5-5, 10-10 साल आप गल्फ में लगाओ उसके बाद वापस आके अपनी सरकारी नौकरी फिर से पकड़ लो, ऐसा ट्रेंड यहाँ पर होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो है चीजें वो सारी की सारी बदली, काफी हद तक इसको कंट्रोल किया गया। और अब आप देखिए जिस तरह से अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपके सामने एम्स बनकर तैयार हो गया है। अब जिस तरह से इन्होंने जैसे अभी बात की गई थी कि जब कठुआ से पेशेंट जाया करते थे पंजाब में, अब एक ऐसा टाइम आएगा कि पंजाब के इस हिस्से से और हिमाचल के निचले हिस्से से सारे पेशेंट जो एम्स में आया करेंगे। बातें कर रहे हैं एम्स को लेकर भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर क्या काम किया गया एम्स के अंदर, बाहर से डॉक्टर आएंगे बाहर से सीटें वहां पर भरी जाएंगी, जम्मू कश्मीर के लिए पर्टिकुलरली उसके अंदर क्या रखा गया? देखिए सबसे पहली बात तो है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स का डेफिशिएट है, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना सारे का सारा। जब आपके पास डेफिशिएट है तो कहीं ना कहीं से तो डॉक्टर आएंगे। बाकी अपोजिशन जो आज तक 60-70 साल में कुछ नहीं कर सकी, एक 16 इंस्टीट्यूट बनाया वो भी लोगों की मेहरबानी से भर गया, वो आज सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, नुकताचीनी कर सकती है, प्रैक्टिकली कौन डिलीवर करके दिखा रहा है आपको? यही सरकार डिलीवर करके दिखा रही है। आज सीसीयू की बात की गई तो इन्होंने कभी सोचा भी था सपने में कि हर एक जगह पे 50-50 सीसीयू बेडेड हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे? ये आपके सामने हो, हम जो कहते हैं कर भी दिखाते हैं। दिनेश जी, जिस तरह से सीसीयू बेड्स बनाने की बात हो रही है, जम्मू को सबसे ज्यादा दिया गया है मेडिकल कॉलेज को, जिसमें कोई दोराय नहीं है, 50-50 बिस्तर के जो बेड्स हैं वो अलग अलग जिलों के अंदर लगाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कि आम लोगों का भरोसा किस तरह से जीता जाएगा, क्योंकि आम लोग जब इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं वो क्या अपने गृह जिले के अंदर इलाज कराएंगे? उस तरीके का भरोसा कैसे रहेगा आम जनता को, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं या तो पीजीआई पहुंचते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, स्कॉट में पहुंचते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, दिल्ली के अंदर एम्स में चले जाएंगे, भरोसा किस तरह से रहेगा? दिनेश जी, ये दिनेश जी की आवाज चला दीजिए। दिनेश जी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं। अभिजीत जी देखिए एक चीज तो है कि जब आपकी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होगी और जब अगर सीसीयू के बेड्स अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली सभी को लग जाएगा कि यहीं पर हमारे को इलाज कराना जो है वो सही रहेगा। और आप पर आज देख लीजिए तो आज सिस्टम काफी बदल चुका है, आज वो टाइम चला गया है हर एक इंसान के जेब के अंदर हर साल 5 लाख रुपया पड़ा अपना इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड से। तो मुझे लगता है इन सब चीजों के होते हुए आज हेल्थ सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ की है मुझे, और वो आज तक कभी इस आजाद हिंदुस्तान में कभी हुई नहीं जो आज दिनेश की आवाज़ आ रही है, इसीलिए भरोसा सभी लोगों का आज आ चुका है। अब ये टाइम के साथ जब चीजें पूरी हो जाएगी, ठीक है अभिजीत जी, भरोसे को लेकर बात हो रही कि जनता भरोसा किस तरह से करेगी डिपार्टमेंट पर? नहीं, ये बात बड़ी कड़वी है, लेकिन सच है कि जम्मू के डॉक्टर्स पर जनता का भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भरोसा नहीं है।
एकदम पूरा कमर्शलाइज हो गया हेल्थ सिस्टम। अभिजीत जी मेरी बात मानते होंगे, पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया। जितना विश्वास हम बाहर के लोगों के साथ करते हैं, अपने जम्मू के डॉक्टर साहब की विश्वास क्यों नहीं कर पाए या अपना विश्वास क्यों नहीं बना पाए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अब एम्स आता है, एम्स के बाद बाहर से डॉक्टर आते हैं, वो अपना विश्वास जीत पाते हैं, लोगों को तो स्थितियां बदलेगी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मैं कहता हूँ कुछ है ही नहीं है हेल्थ सेक्टर में। पूरा ये जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी कुछ नहीं है, बाकी मेडिकल कॉलेज में भी कुछ नहीं है। अब श्रीनगर का मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं कहते हैं थोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज अच्छी फंक्शनिंग है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की जम्मू की ही अगर हम बात करें तो 90% ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उनके तीमारदार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें रेफर कर दीजिए प्लीज, हमें लुधियाना जाना है, डीएमसी जाना है, हमें फोर्टिस जाना है, हमें पंजाब में जाना है, हमें चंडीगढ़ जाना है, हमें दिल्ली जाना है। वो एफर्ट्स लगाते हैं, खुद से डॉक्टर को बोलते हैं कि रेफर कर दीजिए प्लीज। तो ऐसे लोगों का भरोसा किस तरह से जीता जाएगा? भरोसे की बात है, जम्मू के डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली जनता में अपना भरोसा नहीं बना पाए, ऐसा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जवाब दीजिए, महज सिर्फ बिस्तर का सीसीयू बनाने से कुछ नहीं होगा, जनता का भरोसा जीतना सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी खुद की लाइन भी मेडिकल के साथ काफी ज्यादा है, अपना वाबस्ता रहा हूं उसके काम के साथ। ऐसी बात नहीं, हमारे जम्मू में भी बहुत कैपेबल डॉक्टर और कश्मीर में बहुत ही कैपेबल डॉक्टर है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ सकते हो, जब किसी का कोई अपना नहीं हो रही है, डॉक्टर्स पर सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल ये है कि लोगों का भरोसा किस तरह से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज समझने की जरूरत है आयशा जी, ऐसा नहीं किसी फैसिलिटीज की कमी है, हमारे यहाँ काबिल डॉक्टर नहीं है। क्या होता है कि जब किसी का कोई अपना उस क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो लोगों को ये लगता है कि अब हम इसके लिए क्या कर सकें बेस्ट, इसीलिए लोग चले जाते हैं। अगर ज्यादातर लोग थोड़ा अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास बड़ी अच्छी फैसिलिटीज जम्मू के अंदर, और आने वाले समय में तो बिल्कुल ठीक होने वाला सारा सिस्टम। अपने लोग हैं, अपने लोगों पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, हमारे को भरोसा तो यही है, तभी आपके सामने आज एम्स बन रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं आपके यहाँ पर। और कहीं ना कहीं लोगों का उस समय, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जब क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट होता है तो इंसान यही कोशिश करता है जो बेस्ट पॉसिबल है दुनिया के अंदर, जो बेस्ट पॉसिबल है मैं वहां पर जाऊं, तो उसको आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है काफी सारी ऐसी सर्जरीज हैं, अभी मैंने देखा आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर मशीनरी जितनी भी लगाई गई है वो पर्याप्त मात्रा में है और उसे चलाने के लिए पूरी तरह से हमारे पास लोग हैं, स्टाफ है। देखिए अगर सच्चाई पर बात की जाए, हकीकत बबरी पर बात की जाए, तो हर जगह कम से कम आप देखेंगे कि मोर देन 50% जो है वो जो स्टाफ जो रिक्वायर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए वो खाली है, वेकेंट है या पोस्ट फिलअप नहीं की गई है। मिशनरी तो अवेलेबल है लेकिन उस मिशनरी का करोगे क्या? अगर एक्सरे है तो एक्सरे को चलाने वाला नहीं होगा, या एक्सरे को चलाने वाला है तो अल्ट्रासाउंड को कोई टेक्नीशियन चला रहा होगा, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट वहां पर डॉक्टर नहीं होगा। सिर्फ मशीनरी लगाने से कुछ नहीं होगा ना, मशीनरी को ऑपरेट करने वाले लोग भी चाहिए। बिल्कुल, ऑपरेट करने वाले भी चाहिए। और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में हमारे ये दिक्कत है जो अभी तक चल रहा है, आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा होगा, इससे बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो हर डिस्ट्रिक्ट में तो जाना नहीं है ना, वहां पर तो देखना नहीं है, देखना तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। दिक्कत यह है कि जम्मू कश्मीर में दो वजह है बड़ी जिसकी वजह से लोगों का अतमाद उठा है। एक तो वजह यह है कि अगर टेस्ट की बात की जाए, आप देखें कि यहाँ पर जितनी भी केमिस्ट शॉप्स हैं, क्योंकि पंजाब में आप जाते हो कि कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो किसी भी दुकान से जाके आपको शॉप केमिस्ट शॉप से मिल सकती है। पर जम्मू कश्मीर में ये समस्या है कि जहां पर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो पर्टिकुलर दो तीन शॉप को छोड़कर कहीं भी वो दवाई अवेलेबल नहीं होगी। एक तो ये लोगों को भरोसा नहीं होता है, दूसरा ये है कि यहाँ पर जो जितनी लैब्स हैं जहां पर टेस्ट होता है लोगों को उन पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी प्रोफाइल या पूरा कंप्लीट टेस्ट कराया जाता है, अगर वो देखते हैं कि एक आया दो इसकी फैमिली के लोग आएंगे तो उसके कहीं जो है टेस्ट प्रोफाइल में थोड़ा ऊपर नीचे वो कर देते हैं, ताकि वो दो तीन महीने के बाद रेगुलर उनका आता रहे और उनसे टेस्ट कराता रहे। तो हमें ये चाहिए कि हमारी जो जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है कम से कम इसको सवाल अभिजीत ये उठ जाता है कि पर्याप्त मात्रा में पहले स्टाफ होना चाहिए उसके बाद सारा काम। जी आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, यहाँ पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर आपको पता होगा तो जम्मू में भी पिछले दिनों एक इशू बना है एएनएम का करके, एएनएम के जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर उनके ट्रेनिंग के लिए जगह ही नहीं है। अभी कोई एक बड़ी काबिल डॉक्टर है जिनको जो प्रिंसिपल भी आई है वहां पर, उन्होंने बेचारों ने किसी तरह से मैनेज करके उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो एएनएम की ट्रेनिंग लेते रहे उनके पास बैठने की जगह नहीं, तो उनको ट्रेनिंग कहां से मिलती रही होगी।
और पिछला अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एएनएम का तो आज तक खाता ही कभी नहीं बना है। अभी कहा गया इसको डायरेक्टर को भी कहा गया कि इसके लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप खुद सोचें जो एएनएम का 300-400 बच्चा है उनके पास बैठने की जगह नहीं है, क्लासरूम की जगह नहीं है। लेकिन मेरे को सोचने वाली बात जो मेरे मन में आती है और दुनिया के जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों के मन में भी सेम बात आएगी कि आज तक जो आप एएनएम के स्टूडेंट्स को ट्रेन करते रहे कहां करते रहे, क्या हवा में ट्रेन करते रहे? पिछली सरकारों का किया हुआ ये सारे का सारा है कि आज तक उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, उनकी तरफ से शुरू किया गया था और उसका फीता काटा जा रहा है। देखिए यही तो बात है ना कि आज तक जिनके पास अगर आपका बैठने की जगह नहीं थी उन बच्चों की, तो आप वो एएनएम के स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करते रहे? और कितनी क्रिटिकल पोजीशन होती है, ये लोग आपका हेल्पिंग हेड होते हैं थिएटर्स के अंदर, हर जगह पर किसी को इंजेक्ट करना है, कुछ लेकर नहीं चल सकते ना फॉर्मेशन। नहीं मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि आज तक का स्ट्रक्चर कैसे चरमराया हुआ था। अब इसके ऊपर जरूर मुझे लगता है कि संज्ञान लेंगे अभी के जो है अथॉरिटीज, और कम से कम इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ नहीं करना चाहिए। स्पेशल डॉक्टर्स चाहिए, सर्जन चाहिए। हमने कोरोना के टाइम देखा किस तरह से हमारा पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बैठ गया था। केंद्र सरकार ने आईसीयू के लिए बड़े बड़े जो वेंटिलेटर भेजे, लेकिन वो वेंटिलेटर अभी भी स्टोर्स में पड़े हैं, तो ये क्या इंडिकेटर उसी पर आ रहे थे हमारे पास। उसके बाद आपने हालत देखी उनकी वेंटिलेटर्स की कि क्या हालत बनी उनकी, रखरखाव सही से नहीं हुआ, रखने तक की जगह नहीं थी, स्टोर में बंद कर दिया गया, धूल चाट रहे हैं। तो हम जम्मू कश्मीर में जब हमारे पास स्टाफ ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा? और ठीक है, हम आशा करते हैं अब जैसे प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया है, एम्स बना है, बाकी जो आज अनाउंसमेंट की है, उसके बाद हम ये मतलब आशा कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से डिफंक्ट ही कहूंगा। जवाब दीजिए अभिजीत जी कि पूरी तरह से डिफंक्ट ही है अभी भी। देखिए काफ़ी हद तक उस समय जो कोरोना काल के टाइम का जब ये चीज़ें बनी थी तब हम समझ सकते हैं कि ऐसी आपदा आई थी जो बिना दस्तक के इस देश में आ गई थी और बिन बुलाए मेहमान की तरह, हमें पता नहीं था। लेकिन उस समय जो भी किया गया बेस्ट पॉसिबल इसके लिए किया गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि 50-60 साल से यहाँ पर थे ही नहीं, इस कारण प्रॉब्लम हमारे को रही। लेकिन अब काफ़ी हद तक जिस तरह से अभी आपके सामने किया जा रहा है, अब कर ही होगा जी। सिंपल सी बात है कि 60-70 साल के खड्डे हैं। एक इंस्टीट्यूट सन 70 में आपने बनाया था, उसके बाद इंस्टीट्यूट ही कोई नहीं बना यहाँ पर, सिर्फ कहने को स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, उसके अंदर भी क्या रहा आज तक सिस्टम आपको ही पता है। लेकिन अब जिस हिसाब से किया जा रहा है इसकी जरूरत है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जा रहा है। अब 60-70 साल के खड्डे हैं, उनको भरने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। वो कह रहे हैं कि थोड़ा समय जरूर लगेगा अगर काम शुरू किया तो। नहीं, वक्त तो बिल्कुल लगता ही है किसी चीज को। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्ट किया है, अब हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते 5-7, 6-7, 10 साल होता है टारगेट होता है। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग हैं उनका, जो खासकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको जागने की जरूरत है कि लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज चाहिए उनको प्रोवाइड, जो गवर्नमेंट चाहती है, जो गवर्नमेंट का मोटिव है और गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है कि हर गांव में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी फंक्शन करें। तो यहाँ पर ये खस्ता हालत है कि सब डिविजन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो काम कर रहे हैं लेकिन गुजारे लायक काम कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी का जो खासकर हमारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में है, जो उन्होंने केमिस्ट शॉप भी खोली थी जहां पर दवाई जो है आपको अच्छी मेडिसिन जो है क्वालिटी वाली मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर ही मिलती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पार्ट वो भी मिसिंग है कि अभी तक पूरी तरह वो पता नहीं है। उसमें भी आरोप है, वो कह रहे हैं कि जो दवाइयां लिखी गई होती है वो मिलती ही नहीं है और जो मिल रही है उनके रेट्स बहुत हाई है। जी बिल्कुल, अगर जो गोल्ड कार्ड बनाया गया है उसमें भी जो दवाइयां डाली गई हैं वो लो कैटेगरी की डाली गई है, ये आरोप है लोगों के। वो कह रहे हैं कि सही वाली दवाइयां नहीं लिखी होती है। देखिए अगर जो भी आरोप है, अगर जिस नीयत से गवर्नमेंट कर रही है, खोलना चाहती है लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेहत के लिए, तो वो उसको देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें एक चीज समझिए कि ऐसा नहीं है। जन औषधि के अंदर अगर आप जाएंगे तो सभी मैक्सिमम सभी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। और अगर आज से आप पहले 5 साल पहले दवाई लेते तो जो पत्ता आपको 150 रुपए का मिलता था आज 15 रुपए का मिल रहा है। आपके सामने डायबिटीज की दवाई है जो आपको पहले 200 रुपए की मिलती थी आज 18 रुपए में पत्ता मिल रहा है। जन औषधि के अंदर काफी लोगों को हेल्प मिली है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, FSSAI जो अभी फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई है, ये इनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो केवल यही बन रही कि हॉस्पिटल के खाने को, बाकी भी फूड सिक्योरिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके टेस्ट होना, उनके पर्टिकुलरली लेबोरेटरीज होना, ताकि हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या दिया जा रहा है मार्केट के अंदर, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज तक कभी नहीं हुई, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये काफी कुछ है जो लोगों के हित में ही किया जा रहा है। दिनेश जी, लोकसभा चुनावों को लेकर जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि एक एक करके जो सौगातें सामने आ रही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक स्टंट जो है वो दिखाया जा रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर, विपक्षी पार्टियां कह रही। अब मेरा मानना है कि विपक्षी पार्टियां तो ये कहेंगी कि लोकसभा चुनावों को लेकर, लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों से सरकार की परफॉर्मेंस देखें तो सरकार ने जो कहा है वो किया है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने नहीं कहा। जैसे मैंने कहा कि 5 साल पहले अगर प्रधानमंत्री ने
नींव पत्थर रखा था एम्स का, तो 5 साल के बाद उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। तो इस सरकार के हम जो ये सरकार जो कहती है उस पर विश्वास हम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ठीक है, अपोजिशन का क्या लगता है दिनेश जी, मोदी गारंटी को लेकर ही बात कर रहे हैं आप भी, जिस तरह से पीएम ने भी कहा कि इस बार गारंटी लेकर आए हैं, कितना फायदा बीजेपी पार्टी को होने वाला है लोकसभा चुनावों में? क्योंकि सीट शेयरिंग की बात तो तीन पर तो आपने देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम खुद ही इसमें कंटेस्ट करेंगे, दो पर बात होगी अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती है, तो फिर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी कांटे की टक्कर रहने वाली, या फिर कोई और पार्टी बीच में आएगी? देखो मुझे लगता है कि बीजेपी दोस्त जो जम्मू और जम्मू की जो दो सीट है वहाँ बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल है, और बीजेपी इस समय पूरा जोर लगा रही है। जो नई सीट बनी है अनंतनाग और राजौरी सीट, राजौरी अनंतनाग सीट जो है बीजेपी का, इसमें पूरा जोर इस पर लगा रही है। अब जैसे जो खबरें आ रही है कि वहां से बारामूला से अगर मुजफ्फर बेग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की सपोर्ट से, तो वहाँ बीजेपी का भी स्टेक आ जाएगा, बीजेपी कंपटीशन में आ जाएगी उस सीट पे भी। तो बीजेपी इस बार पीडीपी के लिए एक सेटबैक रहेगा, मान के चल सकते हैं, क्योंकि अगर मुजफ्फर बेग बीजेपी के लिए कंटेस्ट करते हैं तो जाहिर तौर पर दिग्गज नेता भी हैं और काफी पुराना चेहरा भी है और फाउंडर मेंबर भी पीडीपी पार्टी के वो रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुजफ्फर बेग अगर जैसे कमेंट कर दीजिएगा अभिजीत जी। ठीक है, देखिए वो तो जब होगा तभी होगा, लेकिन जो मैं तो उसी तरफ रहूंगा जिस तरफ हम आज बात कर रहे थे कि हमारे हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, और मैंने जो दो चीजें कही मैं अच्छा जी जरूर चाहूंगा कि इसका संज्ञान लेके, और आपका जो भी प्रोग्राम होता है ये सुना भी जाता है, इसका संज्ञान ले, और खासकर मैं डायरेक्टर जम्मू को भी कहूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान ले कि एएनएम की आज तक क्यों उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया था, और आज तक जो ट्रेंड किए उनको किस बेसिस पे ट्रेनिंग दी गई थी, और अब अगर जो हो रहा है ये काम उसको तो आप लोग ही कर सकते हैं ना रूलिंग पार्टी में, नहीं हम तो करें, मैंने तो बात की है कि मैं चाहूंगा चैनल के थ्रू भी कम से कम उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि बड़ा जरूरी है कि हम इसके ऊपर काम करें। यासर जी, पर सेक्रेटरी और डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर जो कश्मीर है, जहां पर ये खामी है उनको पूरा करना चाहिए, और जहां पर डॉक्टर की वैकेंसी खाली पड़ी है उनको फौरन तौर पर कम से कम जो एग्जिस्टिंग है उनको तो पूरी करें, और जो टेक्निकल स्टाफ जहां पर नहीं है उनको जल्द से जल्द तैनात करें। बहुत बहुत धन्यवाद यासर जी जुड़ने के लिए, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देख रहे थे कि हेल्थ सेक्टर को लेकर बात हो रही है, लेकिन सवाल फिर वहीं पर है कि पहले पर्याप्त मात्रा में स्टाफ भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनने की बात कही गई है लेकिन जो कमियां हैं उन्हें भी दुरुस्त करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।